इतने ही छोटे घर में 5-6 लोग रहते हैं भाई, कैसे रहते हैं आप सोच लो। छह जाने इसमें, छह जाने इसी घर में, एक अंकल है, आंटी है, ऐसे 6 लोग हैं। हाँ, इनकी जिंदगी ऐसी ही है। दिस इज माई सेकेंड डे, सेकेंड डे है। फर्स्ट डे बैटरी ख़त्म हो गया था, सेकेंड डे वापस आया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ पहाड़ के ऊपर हिल। पीछे मेरे टिवरी गांव, टिवरी विलेज का मैंने आपको वीडियो दिखाया था। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पहाड़ के ऊपर, एक मंदिर है, वहाँ से व्यू कैसा दिखता है लेट्स सी, देखते हैं। बहुत मज़ा आएगा यार ऐसे घूमने में। ये दो भाई लोग मुझे मिल गए हैं, गाँव के ही लोग हैं, टिवरी गाँव के हैं, तो मैंने सोचा चलो इनके साथ जाऊँगा तो थोड़ा ईजी हो जाएगा ना, क्योंकि रास्ता मुझे भी नहीं मालूम, जंगल एरिया है यार, कहीं से एनिमल निकल के गए आ गए, भरोसा नहीं है। जानवर जानवर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। सी कितना डरावना, मतलब अकेले आना डर है। अब अकेले आओगे तो डर तो रहेगा, एक दो लोग साथ में हैं तो अच्छा है ना भाई। और हमें अभी जा रहे हैं तो हमें अंधेरा होने से पहले वापस आना भी है, क्योंकि अंधेरे में जानवर निकलते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने देखा था एक स्नेक भी मुझे दिख गया था, तो वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है वॉक करना इधर। लोग बोलते हैं कि लोग पेड़ काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो लोगों ने पेड़ लगाए भी हैं, और ऐसे भी आम का पेड़ मुझे दिख रहा है ना भाई, आम का पेड़ है ना। सी ये जब बड़े बड़े होंगे ना तो क्या मज़ा आएगा इधर, वाह। वो देखो एक बनाना का भी पेड़ उधर मुझे दिख रहा है, ये सारे मैंगो का पेड़ गांव वालों ने लगाया है। दिस इज नाइस यार, मतलब लोग पेड़ लगा रहे हैं, कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं तो कुछ लोग लगा रहे हैं, ये अच्छी थॉट है। ये आने वाले दिन में काफ़ी ग्रीन एकदम दिखेगा पूरा, क्योंकि लोगों की सोच यहाँ पे अच्छी है। सो सी सामने बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ हो गए तो कितना अच्छा दिख रहा है। और एक नीम का पेड़ मुझे दिखा, ये दिस इज द नीम, नीम का पेड़, और ये मैंगो, आई डोंट नो ये जंगल में क्या क्या पेड़ हैं, एक ही हाथ लगाना भी डर लगता है मुझे, क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे हैं ना कि आपको लग गया ना तो खतरनाक चटके लग रहे हैं, तो बी केयरफुल अगर आप लोग आते हो तो। ये चढ़ने की आदत नहीं पहाड़ है, अब अभी से हाथ नहीं लगा, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। हाँ बहुत ऊपर जाना भाई ना, इधर से भी रास्ता एक है, इधर से भी एक रास्ता दिख रहा है मुझे। हाँ ये देखो आ भी रहे हैं कुछ लोग वहाँ से, अच्छा मतलब आ रहे हैं, मुझे लगा कि हम ही लोग अकेले ही जा रहे हैं और कोई है नहीं। लोग भी आ रहे हैं उधर से कुछ लोग। हेलो सर, नमस्कार। गांव वाले, गांव के लोग, टिवरी गांव के लोग अच्छे हैं यार, आई लाइक दिस पीपल। पहले मुझे आने से पहले जब मैं आने वाला था टिवरी गांव में घूमने के लिए, तो बहुत लोगों ने मना किया था, कुछ लोगों ने बोला अरे यार कुछ हटके लोग हैं उधर, मार देंगे तुम्हें, मतलब थोड़ा एड़े खोपड़ी थी, इस टाइप का बात किया था। लेकिन जब मैं गाँव में गया तो वहाँ के लोग यार रियली में ना बहुत स्वीट होते हैं, गाँव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे देखो कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब इंजॉय कर रहे थे। आप मेरे पिछले वीडियो में देखिए कितना अच्छे से लोग पेश आ रहे थे, तो भाई जो लोग बोलते हैं ना उस पर बिलीव मत करो, खुद देखो आंखों से। मेरे मुझे आने से पहले मेरा थॉट भी ऐसा ही था कि यार टिहरी गांव के लोग, गांव वाले, लेकिन गांव वाले रियली में अच्छे हैं, एटलीस्ट शहर के लोगों से तो मुझे अच्छे लगे। So, ये किस चीज़ का पेड़ है भाई? हाँ? ये किस चीज़ का पेड़ है? तो कोई फ्रूट भी लगा, ये जामुन का ऊपर है देखो, ये जामुन का पेड़ है। अच्छा आप लोग जामुन अगर खाए होगे भाई ना, तो पता होगा कि जामुन का पेड़ है, वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, पहले रेड होता है फिर लाल काला, बहुत स्वीट लगता है, मार्केट में मिलता है, खाइए जामुन का पेड़। नहीं तो आइए हमारे साथ, बारिश में हम खिलाएंगे आपको इधर, अभी तो आते रहेंगे इधर, थोड़ा है क्योंकि अकेले आओ तो थोड़ा डरावना तो है।
क्योंकि भाई ना पूरा शंकरा एकदम रास्ता बहुत पतले पतले हैं सी, ये रास्ते एकदम ऐसे हैं ना कि कोई आके इधर आपको मार मार के पीट के कोई जानवर आ गया तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा, इस टाइप का रास्ता है यहाँ पे। चलते जा रहे हैं बस इधर से। अच्छा लोगों ने आम का पेड़ लगाया ज़्यादा, रीज़न उसका है ना कि जब आम का पेड़ बड़ा होगा ना जो फल निकलेंगे उसको बेच भी सकते हैं, अच्छा खासा इनकम हो जाएगा गांव वालों का, इसलिए शायद इसके लिए उन्होंने आम का पेड़ लगाया। लेकिन जंगल में आम का पेड़ मिलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आम के पेड़ों ही दिख रहे हैं। देखो उधर कुर्सी लगा के कोई बैठा है, मतलब कुर्सी चेयर रखा है, मतलब वहाँ रखवाली के लिए कोई बैठा है, मीन्स कि यहाँ पे आम की खेती भी हो रही है जंगलों में, जंगल में किसान आम की खेती भी कर रहे हैं, कहीं कहीं दिख रहा है मुझे। ओहरी बहुत छोटे रास्ते हैं यार, लग रहा है मुझे फुल शर्ट पहन के आना चाहिए था। मैं आ तो रहा हूँ लेकिन मुझे रास्ता याद नहीं है भूलते जा रहा हूँ पूरा। वाह अभी मैं दिखाता हूँ, वाह व्हाट ए सीनरी यार, ब्यूटीफुल। मैं दिखाता हूँ ये आपको आम का, इतने बड़े बड़े आम, जितने आम चाहो तोड़ लो कोई बोलने वाला नहीं है। ये आई डोंट नो किस चीज़ का पेड़ है लेकिन बहुत अच्छा स्मेल, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है इसका। वाह ये देखिए आम का मैं दिखा रहा हूँ, वाह ये देखो पूरा आम फरा हुआ है, बड़े बड़े आम है इसमें। अच्छा यहाँ पे लोग रह रहे थे जंगल के बीच में, लोग रह रहे थे, वाह दिस इज अमेजिंग यार, लोग यहाँ पे घर बना के हैं। ये रुको भाई ना, रुको रुको दोस्त रुको, जो आम देख लेता हूँ एक, रुक जाओ ना दो मिनट रुको ना रुको, अंदर डॉगी होगी नहीं होगा ना, ये दिखाता हूँ पूरा आम। यहाँ पे इसमें बहुत सारे आम हैं और यहाँ पे घर पे लोग यहाँ रह रहे हैं तो इन्होंने ही लगाया है। हेलो भाई कैसे हैं? और हाय। बस दिखा रहे हैं यूट्यूब पे मैं आम का, बहुत ज्यादा आम दिख रहा है इसमें। आप लोग आप लोगों का है ना? हाँ मेरा ही है। तो इसको क्या आप तो बेचती हो? नहीं नहीं घर पे खाने के लिए। सिर्फ खाने के लिए। हेलो बेटा स्कूल चालू है? ऑनलाइन चालू। हाँ तो यहाँ से कैसे जाती है स्कूल यार, ये पूरा जंगल है, इधर से कहीं से रास्ता है? आगे रास्ता है। अच्छा मैं ग्लोबल से हूँ। यहाँ से जाते हैं? यूपी। यूपी के? हाँ। आप लोग? हम लोग यूपी से ही है। कहाँ यूपी के? सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर हम यूपी। हेलो बेटा आएंगे दोबारा कभी, अभी इधर घूम रहे हैं यूट्यूब बना रहे हैं। इनका आम का ये पेड़ है लेकिन ये लोग खुद खाने के लिए इन्होंने रखा, बेचते नहीं है, तो कभी आएंगे बड़ा हो जाएगा तो हम भी खाने के लिए। चलो भाई हम आएंगे कभी खाने के लिए, थैंक यू, अच्छा लगा बात करके। ये इनका घर है, वाह यार जंगल में घर इतना अच्छा लग रहा है, शुद्ध हवा। ये देखो कितना प्यारा है यार, कितना सुंदर घर, मतलब जंगल में शुद्ध हवा मिलेगा इनको, क्या बोलूं, मतलब मजे हैं, आई लाइक दिस यार। किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं, रेंट नहीं देना, ये नहीं देना, वो ताम झाम कुछ नहीं, मेंटेनेंस नहीं देना। इन्होंने टीवी भी लगा के रखा है, देखो एंटीना लगाया है तो टीवी भी देख सकते हैं लोग। ये पतरा है, मतलब टीन का पतरा से उन्होंने दीवार बना लिया है। वाह फ्लावर सी फूल कितना फ्लावर। हेलो बेटा ये पपैया, पपैया तो सूख गया आपका, बच्चे हंस रहे हैं। बाय 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 बेटा। ये पूरा गांव गांव से होके जा रहे हैं, ये चूजे खाना बना रहे हैं। चाय बना रहे हो आप? खाना हमारा यूट्यूब चैनल, हम यूट्यूब पे दिखा रहे हैं आपको। हेलो अंकल सब ठीक है ना? खाना वाना हो गया? खाना क्या है चूल्हे पे यहाँ बनाते हैं? चूल्हे पे बनाते हैं। गैस वैस नहीं क्या आपके पास? नहीं गैस बिल्कुल नहीं। अरे अरे गैस नहीं इनके पास, तो आंटी बना। पंखा नहीं है कुछ नहीं। हेलो बेटा देखो ये देखो ऐसे देखो आंटी बना रही है खाना और यहाँ पे ऐसे चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं ना आंटी। चाय बन रही है चाय। अरे हम चाय पी के जाए क्या? अच्छे लोग होते हैं, चाय पिला देते हैं, पिला दे रुकेंगे तो पिला देंगे बेटा। चाय पिलाओगे? नहीं नहीं मजा, थैंक यू बाद में पियेंगे। देखो ये भी यहाँ भी चूल्हा, इसी चूल्हे पे बनाते हैं।
इनके पास गैस नहीं है। हेलो बेटा, तो ऐसे ही खाना ये लोग बनाते हैं। इनके पास गैस वैस है नहीं फिलहाल, सब बैठ के आराम कर रहे हैं। तो भाई हाँ जी, बस शूट कराई चो टीवी में आई टीवी में दिखाओ ला। हाँ कैसे कैसे रहते हो? हाँ तकलीफ का का है? क्या तकलीफ है, हम लोग काम करके अभी इधर आप भी बैठे हैं। ये आपका घर है? देखो छोटे से घर में देखो, देख लो ना वाला। देखो इनका अंकल घर, ऐसे घर में तीन चार लोग परिवार रहते हैं भाई। आप लोग बड़े बड़े घर में रहते हो तो पता नहीं चलता, लेकिन गरीब लोग इस छोटे से घर में रहते हैं। सी इतने ही छोटे घर में पांच छह लोग रहते हैं भाई, कैसे रहते हैं आप सोच लो। छह जाने इसी घर में, एक अंकल है आंटी है, ऐसे छह लोग हैं। हाँ इनकी जिंदगी ऐसी ही है। ठीक है अंकल, अच्छा लगा, आएंगे घूमते घूमते कभी। हम लोग बिगाड़ी काम पे जाते हैं, माल बिल बनाते, ईटा बीटा धोते, वही काम हमारा। हाँ और आंटी आप क्या करते भाभी? वही भी वही काम, वही सब लोग वही काम पे। अम्मा नहीं जाती, खाली अम्मा घर में ही रहती है। अम्मा अभी एज हो गया इसलिए का, अम्मा बच्चे संभालती है ना। अम्मा बच्चे संभालते हो, हिंदी नहीं आता? मराठी ना? मराठी है। हिंदी नहीं? हिंदी नहीं तो मराठी है तो बोलती है, हिंदी भी बोलती है। आप बोलो मराठी, मराठी मानसा है आम्बी में, मराठी कमी थे तो जास्ती नहीं है तो मराठी कमी थे तो। बोलेगा तो भी बोलती है, मराठी में बोलेगा तो भी बोलती है कभी। ठीक है चलो चाय पीने आएंगे कभी। थैंक यू। सी पीपल लाइफ, इनकी जिंदगी, ये पूरा घर है इधर, हम जंगल से निकलते। चलो थोड़ी सी तो लेट्स सी, हमें पहाड़ पे जाना है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये भाई लोग हमारे साथ में जो, उनको भी जाना है वापस घर पे। हमारे रिक्वेस्ट पे आए विकास आए और उनका नाम तो ये देखो शॉप भी है यहाँ पे, छोटा सा मैंने शॉप बनाया है, सब चॉकलेट वोकलेट सब मिल रहा है यहाँ पे। चूल्हे पे खाना बना रहे थे वो लोग है यहाँ पे भी। देखो सारे कुछ अंडे मिर्च टमाटर वेजिटेबल्स थोड़ा थोड़ा, कहाँ लेने जाएंगे दूर से फिर जाएंगे। चूल्हा पे खाना बना रहे थे, मतलब फैसिलिटी नहीं उनके पास, क्या गाँव में अभी मुंबई एरिया में ऐसे जगह आपने देखा जहाँ पे भी इतने पिछड़े लोग हैं, पता नहीं चलता ना। हम लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, शहर में रहते हैं, पता ही नहीं चलता इधर। अच्छा आप लोग नहीं जाओगे अभी? कोई गड़बड़ नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं जानवरों में? ठीक है चलो चलो, थैंक यू भाई, बाय बाय, सी यू। अभी बस भाई हमें यहाँ से अकेले जाना है अभी।